हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं अपने इस चैनल में आपके आपके साथ जुड़ रही हूँ कोकोनट पुडिंग तैयार करने के लिए। सबसे पहले हमें फ्रेश कोकोनट से इसका मिल्क निकालना होगा, यानी हमें इसका दूध तैयार करना है पहले। और दूध तैयार करना ही अपने आप में एक पूरी वीडियो होती है, मगर इसी के साथ में मैं आज इससे बनने वाली पुडिंग भी बताऊंगी। और उस पुडिंग में हमें लगेगा शुगर 4-5 चम्मच, 1/4 कप हमारा कॉर्नफ्लोर, और इसमें कोकोनट मिल्क तैयार करने के लिए हमें एक छलनी चाहिए और एक ऐसा कपड़ा चाहिए बारीक जिसमें आप इसको डाल करके छान सकें। तो सबसे पहले हम अपने जार में इस फ्रेश कोकोनट के टुकड़े करके और 250 ml पानी डाल करके हम इसे पीसेंगे। फ्रेंड्स, इस कोकोनट का जो हार्ड पोर्शन था, शेल था, वो हमने बाहर निकाल दिया और इसको अब हमने इस तरह से काट लिया है। अब इसके पीसेस करके और इसमें 1/2 ग्लास के करीब पानी डाल करके इसको पीस लेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए, हमने इसको पीस लिया है और अब हम अपने इस छलनी पर कपड़ा रखेंगे, एक मलमल या कुछ भी रख लीजिए, और इसमें डाल करके इसको हम निचोड़ लेंगे। और इसका गाढ़ा दूध होगा, ये फर्स्ट इसका दूध है, यानी फर्स्ट मिल्क है, और सेकंड मिल्क को और तैयार करेंगे। हम इतना ही पानी डाल करके इसे फिर से इसके बचे हुए पोर्शन में पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये फर्स्ट मिल्क तैयार है हमारा और बहुत गाढ़ा है, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, बहुत गाढ़ा है। अब हम सेकंड मिल्क इसका और तैयार करेंगे, और सेकंड मिल्क के लिए भी हम इसमें हमारे इस बचे हुए पोर्शन के अंदर उतना ही पानी डाल के इसे फिर से चलाएंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने सेकंड कोकोनट का मिल्क भी निकाल लिया, यानी आप देखेंगे ये फर्स्ट है कितना थिक है, ये सेकंड है थोड़ा थिन है, देखेंगे आप। और अब हम जो 1/4 कटोरी हमने जो हमारा कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें इतना ही दूध डाल करके, दूध यानी हमारा ये जो हमने निकाला है मिल्क, कोकोनट मिल्क, इसको हम इसमें डालेंगे और मिक्स कर देंगे दोनों को, और मिक्स करके अच्छा एक पेस्ट तैयार करते हैं। और बाकी के बचे हुए को हम पैन में डाल करके, और इस पैन में डाल करके बिल्कुल सिम गैस पर इसे हल्का गर्म करेंगे, हमारे बचे हुए मिल्क, कोकोनट मिल्क को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उतना ही ये ले लिया मिल्क, मिल्क यानी कोकोनट मिल्क। अब हम इस कोकोनट मिल्क को इसमें पोर करेंगे, एक पैन में ले लीजिएगा और दोनों को मिक्स कर लेंगे। और अब बिल्कुल सिम पर करना है फ्रेंड्स, और इसे चलाते रहेंगे, और इसी में शुगर डाल देंगे। बचे हुए पोर्शन को, ये वेस्ट नहीं है फ्रेंड्स, इसको हम फ्रेश बर्फी या फ्रेश नारियल से बर्फी या लड्डू बना सकते हैं, इसको हम लड्डू या बर्फी बना लेंगे। इसमें फ्रेंड्स शुगर आप डाल लीजिए, अपने स्वादानुसार डालेंगे, देख लीजिएगा। और इसे हमें उबालना नहीं है, बिल्कुल जैसे ही इसमें हल्की सी स्टीम दिखाई देने लगे और हमारी शुगर जो है मेल्ट हो जाए, हम तब इसमें हमारा घोला हुआ ये पोर्शन डाल देंगे जो हमने अभी रेडी किया है कॉर्नफ्लोर का। और अगर उसमें हमें लगता है कि थोड़ा लिक्विड है तो उसमें हमारा ये बचा हुआ जो लेफ्ट ओवर हमारा कोकोनट का जो मिश्रण है उसको भी हम इसमें थोड़ा डाल सकते हैं। तो ऐसे करते रहेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारी शुगर इसमें बिल्कुल मेल्ट हो गई है और आप देख पा रहे होंगे कि ये एकदम गर्म नहीं हुआ है, ना ही उबल रहा है, हल्का सा इसमें स्टीम सी हमें दिखाई दे रही है। और अब फ्रेंड्स, इसमें हम धीरे धीरे हमारे कॉर्नफ्लोर को, इस पेस्ट को डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें हमारा बचा हुआ जो कोकोनट का जो
फ्रेश जूस का बचा हुआ मिश्रण है उसको डालेंगे। और इधर मैंने एक ये ग्रीस करके एक बर्तन ले लिया है जिसमें हम इस पुडिंग को जमाएंगे, तो उसके लिए किया है। और अब मैं धीरे धीरे इसको चलाते हुए, ऐसे डालते हुए इसको हम चलाएंगे। और चलाएंगे इसलिए क्योंकि ये गाढ़ा होगा। फ्रेंड्स मैं एक हाथ से कर रही हूँ इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगी, पर देखिए धीरे धीरे डालिए और चलाइए और ये गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह से हम इसे 3 से 4 मिनट तक चलाते रहेंगे फ्रेंड्स, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अभी हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ही मिक्स किया है और इसके बाद में हम मिक्स करेंगे कोकोनट का, जो हमारे पास जो बचा हुआ है लेफ्ट ओवर जो है उसको हम इसमें डालेंगे। मगर अभी हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। चलाइएगा ज़रूर, अदरवाइज़ ये जो है नीचे जम जाएगा। इसमें हम हमारा ये वाला पोर्शन भी डाल देते हैं और फिर देखेंगे कि कितना और ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम और भी डालेंगे। फ्रेंड्स हमारा मिल्क जो था कोकोनट का वो ज़्यादा था उसके हिसाब से, और इसमें हमारा पूरा ही नारियल आ गया है, तो सारा हमने इसमें डाल दिया है। ये फ्रेंड्स इलायची का पाउडर है और इसको भी हम इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेते हैं। और इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारा पुडिंग जमाने के लिए तैयार है। आप देखेंगे कि बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे और इसे जिस बर्तन में पुडिंग जमानी है उसमें हम पोर करते हैं। और उसको ग्रीस कर लीजिएगा उस बर्तन को। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस बर्तन में इसको रख लिया और ये जो है सॉफ्टी होती है, एकदम टाइट नहीं होती, यानी केक की तरह से नहीं बल्कि सॉफ्ट होती है पुडिंग हमेशा। और इसको फ्रेंड्स हम इस तरह से टैप करके रखेंगे। अभी इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही रखी रहने देंगे। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी यानी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तब हम इसे फ्रिज में रखेंगे फ्रेंड्स, और 1 घंटे के बाद इसको फ्रिज से निकाल करके और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। फ्रेंड्स देखिए ये रूम टेम्परेचर पर आ गई हमारी पुडिंग। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये अपनी जगह छोड़ने लगी है। ये देखिए अब हम इसको 1 घंटे के करीब फ्रिज में रख देते हैं। फ्रेंड्स ये 1 घंटा हो गया फ्रिज में और देखिए अच्छी जम गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे, पलट लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारी पुडिंग तैयार है। आप खाइए, खिलाइए और बहुत डिलीशियस और न्यूट्रिशियस है। आप इसको व्रत में भी खा सकती हैं और ये जो है फटाफट बन भी जाती है और न्यूट्रिशियस सबसे अच्छी बात है। फटाफट में तो हमें ये देखें कि थोड़ा बहुत अगर हमें मेहनत करनी पड़ रही है तो हम उस बच्चों के सामने और परिवार के सामने उस मेहनत को भूल जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे कोकोनट पुडिंग, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स ए लॉट फ्रेंड्स।